नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा वीकली डिफेंस अपडेट रखवाले। अब तक आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि 14 जुलाई के रोज फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब वो यूएस गए थे तब प्रेडेटर ड्रोन और एयरफोर्स के लिए F414 इंजन्स को लेकर समझौता हुआ था। इसी तरह उनके फ्रांस दौरे से पहले 26 रफाल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को लेकर के बात चलने लगी थी और ये कंफर्म भी हो गया तब जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने इन दोनों सौदों को मंजूरी दी। इस खरीद को लेकर जो एक्चुअल समझौता है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ही हो जाएगा। रफाल एम और स्कॉर्पियन सबमरीन्स की क्या खासियतें हैं, अगर आप रखवाले के नियमित दर्शक हैं तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो हमसे पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए हम वो बताएंगे और इंडिया के लिए क्यों ज़रूरी है वो भी। पहले बात कर लेते हैं रफाल एम की। इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आप जानते ही, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। विक्रमादित्य से हम MiG-29 के फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं। बीते दिनों जब INS विक्रांत नेवी में शामिल हुआ, इंडक्ट हुआ, तो एक अजीब स्थिति बनी जो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। कैरियर हमारे पास आ गया लेकिन एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं थे, इसलिए विक्रांत से भी जो शुरुआत की ट्रेनिंग ऑप्स वगैरह थे उसके लिए हमने MiG-29K को ही ऑपरेट किया। इंडियन नेवी इसी चीज़ से बचना चाहती थी और इसीलिए बहुत पहले से 57 नेवल फाइटर्स खरीदने की वो कोशिश कर रही है। अब दिक्कत यह है कि नेवल फाइटर्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, विमान होता है, और इसलिए दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं नहीं। हम अभी रशियन नेवल फाइटर्स चलाते हैं लेकिन हम उन्हें और नहीं खरीदना चाहते हैं क्योंकि जैसा परफॉर्मेंस हम चाहते थे, जैसी अवेलेबिलिटी हम उनकी चाहते थे, मेंटेनेंस में हम जिस तरह की सहूलियत चाहते थे वो हमें मिल नहीं रही है MiG-29 केस में, इसलिए उनके साथ कंटिन्यू नेवी करना नहीं चाहती थी। इसीलिए आप याद कीजिए INS हंसा जो गोवा में है नेवी का फाइटर बेस, वहाँ पे US और फ्रांस यहाँ से 2 कंपनियों ने आके डेमो दिया था, बोइंग और दासो। बोइंग अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो अपना रफाल एम लेकर के आए थे और उनके ट्रायल्स हुए SBTF पे। यहाँ नेवी ने दोनों को अपने हिसाब से टेस्ट किया और 2023 की शुरुआत में रखवाले ने आपको इन्फॉर्म किया था कि नौसेना ने सरकार से रफाल एम पर ही मुहर लगाने को कहा है। एक बेसिक कारण उसके लिए यही बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के जो 2 स्क्वाड्रन्स हैं रफाल्स के, उनके साथ आपको कॉमनैलिटी मिलेगी, तो आपको ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और रिपेयर का जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास है वो नेवी के भी काम आएगा। अब ये एक बड़ी वजह थी कि हम US को इग्नोर कर रहे हैं या कह लीजिए कि फ्रांस को प्रेफर कर रहे हैं, जबकि बोइंग ने जो ऑफर दिया था वो बड़ा लोक्रेटिव था। रफाल और रफाल एम कितने सिमिलर या डिसिमिलर हैं या कितने अलग हैं उस पर बात कर लेते हैं। रफाल और रफाल एम ऑब्वियसली सिस्टर मशीन्स हैं और देखने में एक जैसे लगते हैं, नाम भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं या स्पेशलिटीज़ अलग अलग हैं। रफाल एम सब कुछ वो कर सकता है जो कि एयरफोर्स वाले रफाल कर सकता है, लेकिन वो ये सब करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड भी कर सकता है, यानी कैरियर लैंडिंग के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे एक नई चीज़ होने वाली है रफाल एम के साथ में। रफाल एम को डिज़ाइन किया गया था जो चार्ल्स डिगोल उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए, और उस पर चलता है कैटबार, यानी कि कैटापुल असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसका मतलब एयरक्राफ्ट को आप एक कैटापुल पर रखते हैं, उसको स्पीड से छोड़ा जाता है समंदर की तरफ, इंजन्स उसके चालू होते हैं और वो वैसे टेक ऑफ करता है, यानी एक गुलेल की तरह छूटता है एयरक्राफ्ट वहाँ से, फाइटर एयरक्राफ्ट आपके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से, और जब उसे लैंड करना होता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है केबल्स से। इन सारी चीज़ों की तस्वीरें आप स्क्रीन पे देखते हुए चल रहे हैं। लेकिन इंडियन नेवी स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इस्तेमाल करती है, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं विक्रांत और विक्रमादित्य, दोनों के ऊपर एक स्की बना हुआ है, यानी एक ऐसा रैंप सा बना हुआ है, एयरक्राफ्ट दौड़ते हुए जाता है, रैंप से उसको हाइट मिलती है, इंजन उसके चालू होते हैं और इसी के चलते वो हाइट पकड़ते हुए एयरबोर्न हो जाता है। ऐसा इस्तेमाल रफाल एम का इससे पहले किसी नेवी ने रेगुलरली किया नहीं है। SBTF पे दासों ने आके उसको साबित किया कि उनका एयरक्राफ्ट कर सकता है। रफाल एम जैसे कैटोबार में परफॉर्म कर रहा था वैसे स्टोबार में भी करेगा, और नेवी अब क्योंकि AON आ गया है इसीलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि उससे सेटिस्फाइड है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब ये स्टोबार में इस्तेमाल होगा तो इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ या इसकी ताकत
को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसमें कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि जो नेवल एक्सपर्ट्स हैं वो ये जानते हैं और जो फॉलो करते हैं जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये जानते हैं कि कैटोबार वाला जो लॉन्च है, जो कैटापुल्ट वाला लॉन्च है, उसमें आप ज़्यादा पेलोड लेके टेक ऑफ कर सकते हो। जो स्टोबार टेक ऑफ्स होते हैं उसमें आपका जो पेलोड ले जाने की कैपेसिटी है साथ में थोड़ी सी घट जाती है। लैंडिंग के लिए आप जानते ही हैं, जब एयरक्राफ्ट नीचे आता है तो उसमें एक हुक लगा हुआ है जिसकी मदद से वो अरेस्ट किया जाता है और वो विद इन सेकेंड्स रुकता है, सेकेंड से भी कम समय में। लैंडिंग गियर बहुत मजबूत है, रफाल एम का रफाल से कंपेयर अगर आप करेंगे, उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो इम्पैक्ट है शिप पे अचानक उतरने का उसको वो सह सके। बडी रिफ्यूलिंग ये कॉमन चीज़ है, रफाल भी कर सकता है, रफाल एम भी कर सकता है। बडी रिफ्यूलिंग क्या होती है, आपको एक अलग से टैंकर हवा में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ फ्यूल लेके ऊपर जाइए, अगर आपका फ्यूल कम पड़ रहा है तो एक दूसरा रफाल एम आपको फ्यूल दे देगा। सेम चीज़ रफाल भी करता है, यानी हवा में ही आप फ्यूल ले सकते हैं, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इंडियन ओशन रीजन में बहुत काम आएंगी। ऐसा भी नहीं है कि रफाल एम को आप सिर्फ समंदर पे इस्तेमाल करने वाले हो क्योंकि वो नेवल फाइटर है, नो, आप जब चाहें, इंडिया जब चाहे उसे ज़मीन से ऑपरेट कर सकता है और ये एयरफोर्स के बाकी जेट्स की तरह ही परफॉर्म करेगा। अभी हमें ये देखना है कि हम जो 26 रफाल ले रहे हैं उसमें से 22 हैं फाइटर्स, 4 है ट्रेनर्स, ट्रेनर्स भी फाइटर्स ही होते हैं, बस उसमें 2 सीट लगी होती है। हमें ये देखना है कि हम इन 26 को जो ले रहे हैं वो किन किन कॉन्फ़िग्स में ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। वैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, प्लग एंड प्ले होता है, आप जल्दी उसका मिशन मोड चेंज कर सकते हैं, बट अलग अलग जेट्स रफाल और रफाल एम के भीतर भी आपको अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के साथ अलग अलग सेंसर पैकेजेस होते हैं, अलग अलग वेपन पैकेजेस होते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय के साथ सामने आएंगी, जब इसका जो औपचारिक सौदा हो जाएगा, जब उसकी नेटिग्रिटीज सामने आएंगी तब हमें पता चलेगा। चीन के साथ, वैसे आप याद कर लीजिए, हमने कहा कि ज़मीन पे भी इस्तेमाल हो सकता है, चीन के साथ लद्दाख में जब हमारा फेस ऑफ शुरू हुआ तो इंडियन नेवी ने अपने MiG-29 केस को भी वहाँ पे तैनात किया था। उसका एक बहुत बेसिक रीज़न है कि वो रेयर फाइट जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, कम हवा, विरल हवा वाला इलाका है, वहाँ पे MiG-29 बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनका थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत बढ़िया है उस माहौल के हिसाब से। तो रफाल एम जैसे कि हमने बताया एक बढ़िया फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल विल का स्वागत किया जाना चाहिए जो मोदी सरकार ने दिखाई है। 700 से हमने जो पहले एयरक्राफ्ट लिए 2015 में, उसके बाद एक बड़ा स्कैंडल इंडिया में हुआ था, सौदे की कीमत को लेकर सवाल उठाए गए थे, और जनरली हमने देखा है कि जब इस तरह की बात किसी एक कंपनी के साथ हो जाती है या किसी एक मशीन, किसी इक्विपमेंट के साथ किसी सौदे में नाम आ जाता है, कोई घोटाले का इल्ज़ाम लग जाता है, तो दोबारा उसका रिपीट ऑर्डर जाना या देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसको, उस आप ये कह लीजिए कि उस हिचक से वो आगे गई है, उसने 700 से एक और सौदा किया है, और इस आर्ग्यूमेंट में दम तो है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ में कॉमनैलिटी है, इसलिए नेवी को भी रफाल के लिए जाना चाहिए। विंग फोल्डिंग नहीं है, लेकिन जो 700 का कम्युनिकेशन हुआ है नेवी के साथ में, उन्होंने अश्योर किया है कि विक्रांत से अगर हम ऑपरेट करते हैं रफेल एम को तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, वो स्मूथली हो जाएगा। तो ये दिस टू बी सीन, जब वो आ जाएंगे एयरक्राफ्ट, जब विक्रांत के साथ में ट्रायल्स हो जाएंगे तब हमको और अच्छे से पता चलेगा। हम ये मान के चल सकते हैं कि डायमेंशंस को लेके जो सारी चीज़ें हैं वो सिमुलेशन के आधार पर उन्होंने पता कर ली होंगी और तभी ये सौदा हो रहा है। एक चीज़ बस ये है कि नेवी चाहती थी 57 फाइटर जेट्स और उससे मिल रहे हैं 26, यानी एक स्क्वाड्रन से थोड़े ज़्यादा, वहाँ वो लगभग 3 स्क्वाड्रन्स चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया। एनीवेज जो आया है ठीक है, देर से आया है, दुरुस्त आया है। चलिए अब आते हैं हम स्कॉर्पियन सबमरीन्स पे, या कलवरी क्लास की पनडुब्बियाँ, जिनका 3 उनके और नग और लिए जाने हैं। स्कॉर्पियन का मतलब स्कॉर्पियन यानी बिच्छू नहीं होता है, मुझे भी ये कन्फ्यूजन पहले था, बाद में हमको भी पता चला कि स्कॉर्पियन एक जहरीली मछली होती है जो समंदर में होती है, उसके स्पाइन पे जहरीले कांटे होते हैं और समंदर में सब इससे बच के भी रहते हैं, तो इसीलिए उसका नाम पनडुब्बी को दिया गया है। अटैक सबमरीन है, डीजल इलेक्ट्रिक है, AIP इसमें है नहीं, आप जानते ही हैं अगर रखवाले के नियमित दर्शक हैं तो। ऐसी 6 पनडुब्बियों का सौदा हमने 2005 में किया था जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट 75। 5 जो पनडुब्बियाँ हैं वो इंडियन नेवी में शामिल हो गई हैं, कलवरी क्लास की पनडुब्बियाँ हम इनको कहते हैं, कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वगीर, और जो 6 है बख्शीर, उसके ट्रायल्स चल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इस साल के अंत में या फिर अगले साल की शुरुआत में ये नेवी को मिल जाएगी। लेकिन 2005 से अब तक यानी कि 18 साल, इतने लंबे समय में भारत ने एक भी अटैक सबमरीन का सौदा नहीं किया। हम
डिस्कस करते रहे प्रोजेक्ट 75, 75 आई, 75 अल्फा, प्रोजेक्ट 76, लेकिन बातें होती रहीं, सब कुछ तय हो के सबमरीन्स बनना शुरू हो गई हों, ये नहीं हो पाया। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चूक थी हमारी, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान ने भी अपने सबमरीन आर्म पे बहुत ध्यान दिया है। एक लॉस्ट डेकेड कहा जाता है, जैसे डिफेंस एक्सपर्ट संदीप उन्नीथन कहा करते हैं, उन्होंने लिखा भी है, रखवाले पे भी कहा है। दूसरी दिक्कत ये थी कि जो हमारा मसगांव डॉक लिमिटेड में जो गोदी है, जहाँ प्रोडक्शन लाइन है, जहाँ हम फ्रांस के साथ मिलकर स्कॉर्पियंस बना रहे थे, खाली हो गई है, क्योंकि जो वकशीर है वो लॉन्च हो गई है। इसका मतलब उस गोदी में जो MDL का कैंपस है उसके अंदर किसी पनडुब्बे पे काम नहीं चल रहा है, सबका प्रोडक्शन पूरा हो गया। तो हमारे जो इंजीनियर्स ने सालों लगा के स्किल हासिल की थी, बड़ी स्पेशलिस्ट होते हैं वो, आर्म वेल्डिंग से अलग होती है जब आप इस तरह के सबमरीन्स को या मिसाइल बोट्स को, उसमें जो वेल्डिंग आपकी लगती है, उसमें जो सिस्टम्स आप लगाते हैं, उसमें जो बाहर जो फिल्म लगी होती है रबर की, इन सारी चीज़ों को मास्टर करने में सालों साल लगते हैं। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप चट से सीखें और दोबारा चालू कर दें। तो हमारा जो स्किल हमने अक्वायर किया था 2005 से लेकर अभी तक के, वो ज़ाया हो जाता अगर हमें ये प्रोडक्शन लाइन बंद करनी पड़ती। और फिर वो किस्सा यही हो जाता जो HTW सबमरीन्स के साथ हुआ था 80s में, कि एक घोटाले का इल्ज़ाम लगा, हमने बनाना बंद कर दिया, तो हमारे पास 4 हैं, आज भी काम कर रही हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन लाइन जो हमारा अनुभव इकट्ठा हुआ था वेस्ट हो गया। इसीलिए जो 3 स्कॉर्पियंस का ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर आप इसको कह लीजिए, जा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन लाइन जारी रहेगी, चलती रहेगी, हमारे इंजीनियर्स और स्किल्स को अक्वायर करेंगे। और इसमें एक चीज़ ये देखने भी वाली होगी कि क्योंकि हम नंबर में ज़्यादा ले रहे हैं, 9 सबमरीन्स हमारे पास में हो जाएंगे कलवरी क्लास की, तो जो आपका एक नॉर्म है कि एक सबमरीन पेट्रोल पे होती है, एक सबमरीन ट्रांजिट पे होती है और एक सबमरीन पोर्ट पे होती है, रिफिट हो सकता है, रिसप्लाई हो सकता है, तो आपके पास में 3 हमेशा पेट्रोल पे रहेंगे अगर जब हम 9 के नंबर पे पहुंच जाएंगे। आने वाले समय में क्योंकि हमको स्कॉर्पियंस को या अपने कलवरी क्लास को भी रिफिट के लिए भेजना है, तब भी आपको ये नंबर्स काम देंगे। बस एक चीज़ है जिसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, सुनने को ये मिल रहा है कि नेवल ग्रुप जो है उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट पूरा कर दिया है, उसने 6 सबमरीन्स के लिए पार्टनर किया था MDL के साथ में, और वो 6 ऑलमोस्ट उनकी पूरी हो जाने वाली 2024 तक के। अब इस तरह की बात चल रही है कि अगर आपको और 3 चाहिए तो एक नए कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी, और जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को लेकर के जो DSA ने जारी किया है उसके लिए जो प्रेस रिलीज PIB ने दी है, उसमें भी हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा कहा गया है कि जो इंडिजीनियस उसके अंदर सिस्टम्स या इक्विपमेंट होंगे उसका परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। तो ये मान के चला जा सकता है कोई मेजर रीडिज़ाइन नहीं होगा, कोई मेजर चेंज नहीं होगा सबमरीन में, लेकिन अगर आप उसमें कोई भी चीज़ें बदलेंगे तो उसमें थोड़ा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है, नेवी उससे कितनी सेटिस्फाइड है और वो चीज़ें अचीव कैसे की जाएंगी, इसको लेके थोड़ी बहुत बातचीत होगी। हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे और इसमें हमें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा सरकार को और इंडियन नेवी को कि ये सारी चीज़ें वो फिक्स करके एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट दें और MDL में ये बनना चालू हो। हम ये अपील करते हैं, ये उम्मीद करते हैं सरकार से जल्द ये फॉर्मेलिटीज़ पूरे करे, क्योंकि रफाल एमाने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम हमें लगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच आप चीज़ें शुरू कर रहे हैं, लेकिन MDL पे वो प्रोडक्शन लाइन ऑलमोस्ट चालू है। हमने कहा कि उसमें काम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आपके इंजीनियर्स, आपके ऑफिसर्स, आपके जो टूलिंग मशीनिंग आपकी है वो सब कुछ रेडी है, तो आप अगर पेपर वर्क जल्दी पूरा कर लो तो वहाँ काम जल्दी चालू हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। और यही मुझे लगता है कि थॉट भी रहा होगा कि क्योंकि आप नए सबमरीन्स के लिए ऑर्डर निकाल नहीं पा रहे हैं, तो जो आप पहले से बना रहे हैं उसको बनाते रहें। 3 और पनडुब्बियाँ आ जाएंगी, 13 जुलाई को मंजूरी मिल चुकी है, और जो औपचारिक समझौता है हम मान के चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के वहाँ रहते हुए हो जाएगा। बस एक चीज़ है जिसको मार्क करना चाहते हैं, AIP जुलाई 2023 चल रहा है और हम 3 ऐसी और सबमरीन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिनमें AIP नहीं है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नहीं है, जिसके वजह जो अगर होता इनमें तो ये ज़्यादा समय तक करके अंदर रह पाती। लेकिन एक थॉट ये भी है कि जब कलवरी क्लास की सबमरीन्स रिफिट के लिए आएंगी तब उनको AIP प्लगइन दिया जाएगा,
तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नेवी ने सोची होंगी, गवर्नमेंट ने सोची होंगी कि अगर अभी आप AIP के साथ में 75i पे बात चल रही है, उस पर भी हम बात करने वाले हैं रखवाले में, तब तक कि आप बिना AIP के सबमरीन्स बनाते रहिए, और जब ये सबमरीन्स रीफिट के लिए जाएं तब आप एक लंबा टाइम ले लो, डाउन टाइम ले लो, और क्योंकि आपके पास नंबर भी आ जाएंगे, आपके पास टोटल 9 सबमरीन्स होंगी, और फिर आप उसमें एक एक करके पहले आपको AIP ट्राई करना पड़ेगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है सबमरीन्स के साथ में। अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो आप बाकी में लगाएंगे। अब चल रहे हैं हम रखवाले के अगले टॉपिक पे, जो है प्रोजेक्ट 75i। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हम बहुत बातें करते जा रहे हैं सबमरीन्स के बारे में, 75i, लेकिन काम नहीं हो पाता है। और प्रोजेक्ट 75i उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण हम कहेंगे है। अपडेट क्या है, आप जानते ही हैं, स्पेन की एक कंपनी है नवांशिया और भारत की एक कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो LNT जिसको हम कहते हैं, उनके बीच में AIP सबमरीन्स बनाने के लिए एक टीमिंग एग्रीमेंट हुआ, यानी ये दोनों ने बना ली है टीम और ये बिड करेंगे। इससे पहले 7 जून को MDL और जर्मनी की जो थीसन रूप मरीन सिस्टम्स है TKMS, उसके बीच भी इसी तरह का टीमिंग एग्रीमेंट हुआ था। 43,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसके तहत इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस सबमरीन्स बनेंगी। इंडिया की तरफ से LNT और मडगांव डॉक लिमिटेड सिलेक्ट हो चुके हैं, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के लिए विदेशी कंपनियों का सहयोग चाहिए, और 2 OEM हैं जिनके नाम हमने आपको बता दिए। अब प्रोजेक्ट के लिए बिड किया जाना है। एक टेक्निकल बिड होगी जिसमें दोनों टीम्स बताएंगे कि सबमरीन में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सा उसका डिज़ाइन होगा, और एक फाइनेंशियल बिड होगी जिसमें सौदे की कीमत होगी कि आप पैसा कितना खर्च करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। अब नौसेना का जो प्रोजेक्ट 75i है वो टेक ऑफ कर सकता है, मान के चल रहे हैं हम। 2 टीमों के बीच में प्रतियोगिता होगी जिसमें एक तरफ नवांशिया और LNT और दूसरी तरफ MDL और TKMS। ये प्रोजेक्ट क्या है, कंपटीशन क्यों हो रहा है, और ये प्रोजेक्ट 24 सालों से क्यों लटका हुआ है, कई बार हम रखवाले में आपको बता चुके हैं, लेकिन एक रिविजन कर लेते हैं। अगर आप रखवाले के नियमित दर्शक हैं तो आप जानते हैं कि सबमरीन्स जनरली 2 तरह की होती हैं मेजरली। एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं जो आप SSBN कहते हैं, और अटैक सबमरीन्स हैं आपकी जो SSK कहलाती है, हंटर किलर। जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की पनडुब्बियाँ होती हैं, क्योंकि ये लंबी दूरी तक जाती हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाली न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स लेके चलती हैं, और ये बहुत बड़ी पनडुब्बियाँ होती हैं। नॉर्म वर्ल्ड ओवर नॉर्म ये है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली होती हैं, जैसे कि इंडिया के पास भी है INS अरिहंत और INS अरिघात। अपने इनका जो साइज़ होता है, इनका कॉस्ट होता है, और जो परमाणु हमले की इनकी काबिलियत है, इसलिए इनको आप ऐसे छोटे कामों में नहीं लगाते हैं, कोट अनकोट, जैसे पेट्रोल करना, फ्लीट डिफेंस, और या फिर आपके जो बाकी काम होते हैं, जो ब्रेड एंड बटर जॉब होता है नेवी के सबमरीन आर्म का। ये काम यानी पानी के अंदर दुश्मन को ढूंढना, उस पर टारगेट लगाना, और फिर तेज़ी से जगह बदलना, फायर करने के बाद आपको एक छोटी और मनूवरेबल सबमरीन चाहिए, एक हंटर किलर चाहिए, तेज़ रफ्तार अटैक सबमरीन, जिसको आप समझ सकते हैं पानी के अंदर चलने वाला फाइटर जेट। इसीलिए किसी भी देश के लिए अटैक सबमरीन्स बहुत ज़रूरत वाली चीज़ होती है, और पनडुब्बियों की भारी कमी है इंडिया में। सरकार बड़ी लेट चली है डिसीजन मेकिंग में, उसने बहुत समय लगाया है, और बड़े लंबे समय से अटैक सबमरीन्स की कमी चल रही है, बहुत पहले से, हमारे पैदा होने से पहले। इसलिए जो 1990s का डेकेड था उसमें इंडियन नेवी ने सरकार से एक ऐसे प्लान पर सहमति चाही थी जिसके तहत बड़े संख्या में पनडुब्बियों को बनाने के लिए ऑर्डर दिया जाए और वो सालों में बनती चली जाएं। जून 1999 वो महीना था, तब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एक 30-year प्लान फॉर इंडिजीनस सबमरीन कंस्ट्रक्शन को मंजूरी दी थी। सादी भाषा में आप इसको 30-year सबमरीन बिल्डिंग प्लान कहते हैं। इसके तहत 2 प्रोडक्शन लाइन्स हम बनाने वाले थे जिन पे एक एक फॉरेन कंपनी के साथ मिलके 6-6 पनडुब्बियां बनाई जाती, और इन्हीं 2 प्रस्तावित प्रोडक्शन लाइन्स का नाम था प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75i। 75 हमने आपको बता दिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 3 और हम लेने वाले हैं। 75 इंडिया जो है अभी तक लटका हुआ है। जब तक ओरिजिनल प्लान ये था कि जब तक ये 12 आपकी सबमरीन्स बनती, तब तक जो इंडिया के साइंटिस्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नेवी का जो एक्सपर्टीज है, उस सबको पूल करके एक इंडिजिनस डिज़ाइन पे काम होता रहता। आप एक डिज़ाइन लॉक कर लेते और फिर जो 2 प्रोडक्शन लाइन आपके पास में है, एक 75 एक 75i, उन दोनों पे आप 12 सबमरीन और बना लेते, और इस तरह 30 सालों में यानी 2030 तक के आपके पास 24 अटैक सबमरीन आ जाती, नहीं आपका पुराना पूरा जो फ्लीट है वो रिप्लेस हो जाता। बाद में इसमें चेंजेस हुए और प्लान बना कि 24 में से 18 डीजल इलेक्ट्रिक होंगी SSKs, कुछ AIP,
और 6 आप बनाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स, बैलिस्टिक वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, अटैक सबमरीन्स की बात कर रहे हैं जिसको हम SSN कहते हैं, सब सर्फेस न्यूक्लियर। अब पनडुब्बियां एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा हथियार है जो आपको बनी बनाई जनरली मिलेगी नहीं। हमने रशिया से ज़रूर लीज़ किया है लेकिन ऐसे चीज़ें कम होती हैं, आपको जो ख़रीदने वाला ऑप्शन है ये कम होता है। कोई अगर दे रहा है आपको तो हो सकता है कि वो पुराने सबमरीन दे, नई तुरंत अभी डिज़ाइन की हुई सबमरीन आपको तब मिलेगी जब आप ऑर्डर देंगे, उसके बाद डिज़ाइन लॉक होगा और फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, उसमें 6-7 साल लग जाना, एक डेकेड लग जाना कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको पता है, नेवी को पता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था, लेकिन कोई बहुत तेज़ी गवर्नमेंट ने दिखाई नहीं। नेवी मांगती रही सबमरीन्स लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन ले नहीं पाई। 2005 में 23,000 करोड़ की लागत से 75 का प्रोजेक्ट, 75 का सौदा हुआ और स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां बनी जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। 18 मई 2023 को इसमें से 6ठी स्कॉर्पियन जो है वो लॉन्च भी हो गई है, ये भी आप जानते हैं। तो 75 आएगा क्या हुआ, इतने समय में हमने कोई नया ठेका दिया नहीं और ये अब सब जानते हैं कि 2030 तक जो 24 पनडुब्बियां बनाने का जो हमारा टारगेट था, 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान, हम चूकने वाले हैं उससे। प्रोजेक्ट 75 आए के अंडर हम लोग 6 पनडुब्बियां बना रहे हैं, AIP से वो लैस होंगी, 45,000 करोड़ उनका कॉस्ट होगा, बेहतर हथियार होंगे, बेहतर सेंसर होंगे और सबसे ख़ास बात होगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, इसीलिए सबमरीन साइज में थोड़ी सी बड़ी होंगी। क्यों ज़रूरी होता है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चलती हैं बैटरीज से, उनका डीजल जनरेटर बिजली बनाता है, बैटरीज चार्ज होती हैं और उसके सहारे आप पानी के अंदर चलते रहते हो। जब आपकी बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं तो आपको दोबारा जनरेटर चलाने की ज़रूरत पड़ती है और दोबारा अगर आप जनरेटर चलाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको सर्फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपको कंबशन इंजन है, उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो आपको समंदर के सर्फेस से ऊपर आके मिलेगा। कम से कम स्नॉकल तो करना पड़ेगा, जो पाइप से सबमरीन से निकला होता है आपको उसको बाहर निकालना ही है, जो अपशिष्ट गैसें हैं उनको भी वापस छोड़ना है। ये बनती है एक प्रॉब्लम कि आपको हर 2-3 दिन में सबमरीन को सरफेस करना पड़ता है डीजल इलेक्ट्रिक को, और अगर आप ऐसा करेंगे चार्ज करने के लिए ऊपर आएंगे तो आपका पर्पस डिफीट होता है क्योंकि सबमरीन बनी होती पानी के अंदर रहकर छिपे रहने के लिए। तो अगर आप बाहर आ रहे हैं तो आप उसका जो जिस मकसद से आपने उस शिप को इस तरह डिज़ाइन किया है कि आप उसे डुबा के भी ऑपरेट कर सकें, वो पूरा नहीं हो रहा है। अब AIP सबमरीन्स कैसी होती हैं, AIP सबमरीन्स भी बैटरी से ही चलती हैं और इनमें भी डीजल जनरेटर होता है लेकिन वो पानी के अंदर 15-15 दिन तक के रह जाती हैं क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम से भी ऊर्जा पैदा कर सकती हैं, एक ऐसा सिस्टम लगा होता है बिजली जनरेट करने के लिए जो एयर इंडिपेंडेंट होता है, यानी उसके लिए आपको हवा नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो नहीं चाहिए और आपको कुछ धुआं भी नहीं निकलने वाला है उससे जो आपको वापस एटमॉस्फेयर में जिसको छोड़ना पड़े। कहा जा रहा है कि इन 6 प्रस्तावित AIP सबमरीन्स में से पहली में कम से कम 45% इंडिजीनियस इक्विपमेंट होंगे और आखिरी वाली में, मतलब जो 6th जब तक बनेगी तब तक ये बढ़ते बढ़ते 60% तक के चला जाएगा ये। लेकिन सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है 75 आए, इसके लिए हमने एक कदम आगे और एक कदम पीछे वाले तरीके से काम किया है कम से कम अब तक, 1999 से लेकर अब तक के तो यही होता रहा है। एक क्विक रिकैप आप इसकी हिस्ट्री का भी लीजिए, 75 आई की जो त्रासदी ये रही है कि बात हम करते रहे हैं काम नहीं हुआ। 2010 में इंडियन नेवी ने जब नज किया गवर्नमेंट को कि आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, समरी नाम का नंबर बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, तब गवर्नमेंट ने 75 आई में चेंज किया और ये डिसाइड हुआ कि आप 2 समरीन्स बाहर से ले आइए और जो भी वेंडर होगा वो इंडिया आकर के 4 बनाने में हेल्प कर देगा तो थोड़ा जल्दी होगा। अब इस दिशा में चला 4 साल काम, या आप कह लीजिए कि नहीं चला। फिर नवंबर 2014 में रक्षा मंत्री बने मनोहर पर्रिकर, जब मोदी सरकार आती है, मेक इन इंडिया का नारा जोरों पे था तो उन्होंने कहा कि नहीं, 75 आए जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई सबमरीन बाहर से नहीं आएगी और अब 6 के 6 सबमरीन हम इंडिया में बनाएंगे। ये हम 2014 की बात कर रहे हैं। 3 साल बाद 2017 में फिर से भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को याद किया, तब कहा गया कि प्रोजेक्ट 75 को हम बनाएंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत और ये पहला प्रोजेक्ट होगा। तब SP खूब बात चल रही थी। वैसे स्कॉर्पियन सब्स के लिए जो हमने 2005 में सौदा किया था, जो समझौता किया था, वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ही थी, तो मुझे ही नहीं समझ में आया कि उन्होंने इसको, मतलब ठीक है नई सरकार और नए आप एक नई नीति बना रहे हैं लेकिन आप उससे पहले भी उस तरह काम कर चुके थे।
एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन ओईएम, एक फॉरेन कंपनी आप कह लीजिए, और दोनों मिलकर काम करेंगे। दो साल बाद यानी 2019 में नेवी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई निकाला, जिसके बाद इंडिया से दो कंपनियों को सिलेक्ट किया गया, एमडीएल और एलएनटी। इनके साथ साझेदारी करने के लिए 5 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम को चुना हमने। एक थी उसमें फ्रांस की नेवल ग्रुप, दूसरी जर्मनी की थीसन ग्रुप मरीन सिस्टम, रूस की आरओई, साउथ कोरिया की थेबू, दाइबू नहीं बोलते हैं उसका उच्चारण थेबू ही है, और स्पेन की नवांशिया। जुलाई 2021 में प्रोजेक्ट 75 आई के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी हुआ, आरएफपी, यानी एमडीएल और एलएनटी से कहा गया कि आप ये जो पांचों ओईएम हैं उनमें से अपनी पसंद की कंपनीज का चुनाव करो और हमें बताओ कि आप कैसा सबमरीन बनाएंगे, एक प्रपोजल दो जिसमें नेवी की बताई खूबियां होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट आपने दिया है। और इसके बाद ना खराब होती रही 75 आई की बात। नेवी चाहती थी कि एक ऐसा एआईपी लगाया जाए जो प्रूवन हो, यानी कोई इस्तेमाल कर रहा हो, हमने दुनिया ने देखा हो कि ये एक भरोसेमंद एआईपी हो, और कम से कम 2 हफ्ते का 15 दिन का एंड्योरेंस उसमें होना चाहिए। सादी भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि कोई नेवी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे ये इंडक्ट होके सर्विस में हो। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात थी, यानी जो विदेशी तकनीक है वो भारत को मिलनी थी, और लायबिलिटी क्लॉज थे, यानी अगर आप टाइम पे पूरा नहीं कर पाते हो, डेडलाइन हिट नहीं कर रहे हो, या परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है, या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, तो जो विदेशी कंपनी होगी, जो ओईएम होगा, उसकी भी जिम्मेदारी बनेगी, उसको भरपाई करनी पड़ेगी, लायबिलिटी क्लॉज, और सख्त डेडलाइंस तो थी। ऐसे में एक एक कर जो सारे ओएम थे, ये 5 जिसके हमने नाम आपको बताए, पीछे जाने लगे। मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक एक दिन पहले फ्रांस के नेवल ग्रुप ने बोला कि हम इस प्रोजेक्ट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच नेवी अभी हमारे एआईपी का इस्तेमाल करती नहीं है, उनके पास लेकिन कोई यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए इसको आजमा के देखना पड़ेगा। अगस्त 2022 में जो रशिया की JSC ROE थी, उसने हाथ खींचे, उसने कहा कि डेडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हम पे डाल दी गई है। और जो बाकी 3 कंपनियां थी वो भी TOT वगैरह को लेकर के, और जो नेवी ने जो क्षमताएं चाही थी उसको लेकर के, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है। इसका नतीजा क्या हुआ, जुलाई 2021 में जो RFP आया और उन्होंने कहा था कि 3 महीने में आप प्रपोजल दीजिए, वो डेडलाइन बार बार बढ़ी। लेटेस्ट डेडलाइन अगस्त 2023 की है। अब चूंकि इंडियन नेवी एक ऐसा एआईपी चाहती थी जो पहले से इस्तेमाल में हो, तो दौड़ में फिर सिर्फ 2 कंपनी बची, जर्मनी की थीसन ग्रुप मरीन और फिर जो दक्षिण कोरिया की थेवू है, क्योंकि इन्हीं दोनों कंपनियों की एआईपी इन सर्विस पनडुब्बियों में है। फ्रांस, रशिया और स्पेन के पास भी एआईपी है, लेकिन वो किसी सबमरीन में अभी लगे नहीं हुए। इसीलिए फिर ये हुआ कि बाद में नेवी ने थोड़ा सा जो आरएफपी को लेकर के इन कंपनीज की चिंताएं थी उनको एड्रेस किया था। अब आप पूछ सकते हैं कि जब स्पेन के पास एक प्रूवन एआईपी नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि एक इन सर्विस पनडुब्बी में है नहीं, तो फिर उसके साथ एलएनटी ने टीम क्यों बनाई है? तो ये समझने के लिए आपको इस पूरे गेम को एक बिगर पिक्चर वाला मामला समझ के देखना पड़ेगा। दोनों टीम्स से हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं थीसन ग्रुप एमडीएल की। 7 जून 2023 को थीसन ग्रुप और एमडीएल के बीच में समझौता हुआ, हमने आपको बताया था। थीसन ग्रुप सबसे ज़रूरी शर्त को पूरा करती थी कि उसका एक प्रूवन एआईपी हो। फिर जब फरवरी 2023 में जर्मन चांसलर ओलाफ शूल्स इंडिया आए थे, तभी भी सूत्रों ने दावा किया था कि जर्मन जो डेलीगेशन है उन्होंने कहा था कि आप थीसन ग्रुप का ये प्रोडक्ट ले लीजिए। इस मामले में जर्मनी से एक आपका पुराना रिश्ता भी है। 1981 आप याद कीजिए, जर्मनी से हमने HDW के साथ समझौता किया था और अटैक सबमरीन्स बनी थी। 2 जर्मनी से आई, 2 जर्मन टेक्नोलॉजी पर एमडीएल में बनी मुंबई में, 2 और सबमरीन बनने वाली थी लेकिन भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगा और फिर एमडीएल ने काम बंद कर दिया। पुराना रिश्ता और एआईपी, ये 2 कारण हो गए। एक और कारण है कि जब भारत ने सबमरीन बनाने के लिए प्रपोजल मांगा था, तब थीसन ग्रुप या आप कह सकते हैं जर्मनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका 2रा साल आ गया है, और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि रशिया और चाइना की जो नज़दीकियाँ हैं वो देखते हुए अब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि सैन्य मामले में यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी में पर जो निर्भरता थी एक समय रूस पर हमारी, वो कम हो, और इसीलिए जर्मनी भी एड करना चाहता है इंडियंस को, और बाकी जो यूरोपियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सब का पूछा है कि आप इंडिया को हेल्प कीजिए रूस से उसको आइसोलेट करने में। ये एक कारण हो सकता है। दूसरी टीम पे आते हैं, नवांशिया और एलएनटी। नवांशिया और एलएनटी के पास जैसा हमने पहले बताया एक इन सर्विस एआईपी नहीं है। फिर एलएनटी ने करार क्यों किया उसके साथ?
दरअसल नवांशिया ने स्पैनिश नेवी के लिए एक S-80 प्लस क्लास की सबमरीन बनाई है। 2021 में ये लॉन्च हो गई। ये एक AIP सबमरीन है और इसके ट्रायल चल रहे हैं और 2023 के अंत तक के मतलब ये साल जब ख़त्म होगा ये स्पेन की नेवी को डिलीवर कर दी जाएगी। यानी जो प्रूवन AIP वाली बात है वो ऑलमोस्ट होने ही वाली है। LNT और नवांशिया के अधिकारियों का कहना है कि जो AIP तकनीक लाई जा रही है वो असल में एक थर्ड जनरेशन सिस्टम है और वो बायोइथेनॉल के ईंधन पे काम करेगा और इसकी लागत और जो यूज़र कॉस्ट है बाद में पूरा लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो कम होने वाला है। नवांशिया का ये भी कहना है कि जो सबमरीन बना रहे हैं उसमें इतना स्पेस है जिसमें इंडियन इक्विपमेंट और हथियार लग सकते हैं। एक और कारण है जो कि बड़ा की रीज़न भी है और जिस वजह से हमको ऐसा लगता है कि ये डील नवांशिया की तरफ जा सकती है, वो ये है कि MDL फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर जो स्कॉर्पिन बना रहा है मुंबई में, नवांशिया उसमें पहले से पार्टनर है। संभवतः इसीलिए अप्रैल 2023 में ही MOU हो गया था LNT और नवांशिया के बीच में और अब आप देख रहे हैं कि एक टीमिंग अग्रीमेंट भी हो गया है। अब आखिरी सवाल कि ये प्रोजेक्ट किसे मिलेगा, इसका जवाब यह है कि अभी बहुत लंबा टाइम है। RFP को जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज हैं वो अगस्त 2023 यानी अगले महीने तक के मिलने वाले हैं। उसके बाद टेक्निकल बिड होगी, फाइनेंशियल बिड होगी और उसके बाद ये तय होगा कि सबमरीन कौन बनाएगा, डिज़ाइन किसका लॉक होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इससे पहले रखवाले में हम कई बार कह चुके हैं कि टाइम को देखते हुए, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं 75i में, हो सकता है कि एक OEM किसी को भी, हो सकता है थीसन ग्रुप को चुन लिया जाए, हो सकता है नवांशिया को चुन लिया जाए, हमारा बेट नवांशिया में है, चुन लिया और उसके बाद में ये जो पूरा ऑर्डर है वो MDL और LNT के बीच में स्प्लिट कर दिया जाएगा। यानी फॉरेन कंपनी एक ही है, इंडिया से दो कंपनी हो जाएगी, सबमरीन का डिज़ाइन और OEM लॉक होगा और दोनों लाइन्स पे तीन तीन सबमरीन्स बनेगी। लेकिन हमें ये देखना है, ये कयास है कि आने वाले समय में ये चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं। लेकिन हमारा थिंकिंग यही है कि जो असली मुकाबला है वो MDL और LNT के बीच में नहीं है, दोनों कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट जा सकता है। असली मुकाबला अगर है तो नवांशिया और थीसन ग्रुप के बीच में है, इनमें से जिसको चुना जाएगा वही आके दोनों इंडियन कंपनीज के साथ में बनाएगा। जो भी हो जल्दी हो, क्योंकि समुद्री सुरक्षा के मामले में हम चीन से काफ़ी पीछे रह गए हैं और चीन ही देश के समुद्री सीमाओं पर हमारी आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौती है। स्कॉर्पियन सबमरीन्स के अलावा इंडिया के पास सिर्फ 6 पुरानी किलो क्लास सब्स हैं और 4 HTW सबमरीन्स हैं। चाइना का आप नंबर देखेंगे आपको सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जितना भी हम टाइम लेना चाहते हैं उसको हमें कंप्रेस करने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द 75i पे फैसला लेने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन तीन और सबमरीन्स की बात हो रही है उनका डिज़ाइन लॉक होके कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ रखवाले किस किस को हम कंक्लूड कर रहे हैं, आप देखते रहिए दी ललन टॉप।